सीरियल अनुपमा का नया स्पॉइलर वीडियो रिलीज कर दिया गया है। देविका और बाकी लोगों के सामने इस बात का अनुज कबाड़िया को ये यकीन दिला देंगे कि उसकी बेटी जिंदा है और वो अनुपमा से कहेगा कि वो उसकी बेटी को वापस ला दे। अनुपमा भी अपनी बेटी की तलाश में जी जान लगा देगी। शनिवार के एपिसोड के आखिर में दिखाया जाएगा कि अनुपमा अमेरिका में यशदीप को फ़ोन करेगी और उससे कहेगी कि चाइल्ड केयर सेंटर के बारे में पता करे। स्पॉइलर देखकर लग रहा है कि अनुपमा को हिंट मिल चुका है कि उसकी बेटी कहाँ है। यशदीप को अनुपमा बताएगी कि आद्या को किस हॉस्टल में डाला गया है। अनुपमा कहेगी कि प्लीज़ आप इस बारे में पता लगाएं। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करेगी कि मैं किस तरह अब कोशिश करके अपनी बेटी के पास पहुँचाऊँ। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द आप उसे मुझसे मिलवा देंगे, लेकिन क्या अनुपमा की ये प्रार्थना और ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? इस सवाल का जवाब तो हमें अपकमिंग एपिसोड में ही मिलेगा। जल्दी खुलेगी बरखा की घटिया करतूतें। स्पॉइलर वीडियो में दिखाया गया कि आद्या जहाँ पर है वहाँ अंधेरे कमरे में छिपकर फ़ोन पर किसी से बात करने की कोशिश कर रही है। वो कॉल लगाने की कोशिश कर रही होगी और दुआ करेगी कि उसका कॉल कहीं ना कहीं ज़रूर कनेक्ट हो जाए। लेकिन इसी बीच कोई कमरे में आएगा और उसे पीटने लगेगा। फैन थ्योरीज की माने तो आद्या को बरका ने सख्त निर्दोषों के साथ किसी ऐसी जगह भिजवाया है जहाँ से उसे वापस लाना बिल्कुल मुश्किल है। साथ ही जिसके भी अंडर रखा गया है उसे निर्देश दिए गए हैं कि वो बाहरी दुनिया से कभी संपर्क ना कर पाए। उधर सागर जब मीनू को हॉस्पिटल छोड़ने जाएगा तो सीनियर उसे तंग करेंगे। मीनू के साथ बदतमीजी और बदसलूकी होती देख वहाँ खड़ा सागर लौटेगा और लड़कों की जमकर धुनाई कर देगा। इसी बीच उसे भी थोड़ी सी चोट लग जाएगी और मीनाक्षी के कपड़े भी फट जाएंगे। सागर उसे अपनी शर्ट देगा और सीधा आशा भवन लेकर आ जाएगा। पूरी बात पता चलने पर अनुपमा के होश उड़ जाएंगे और वो शुक्र मनाएगी कि मीनू बिल्कुल ठीक है। अभी तक मीनू और सागर की लव स्टोरी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। शो के अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।